भावार्थ अंतरिक्ष के मार्गों में विद्वानों के प्रयोग किए हुए आकाशगामी यानों के अत्यंत वेग से सभी मेघों के तितर बितर हो जाने का संभव और पृथ्वी के कंपन से वृक्ष वनस्पति के कंपने का संभव होता है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। शिल्प व्यवहार से सिद्ध को बिजली रूप आग घोड़े आदि पशुओं के समान कार्य सिद्ध करने वाली होती है। उसकी क्रिया को जानने वाले विद्वान अन्य जनों को भी उस विद्या से कुशल करें। भावार्थ जो यथा योग्य आहार विहार करने शूर जनों से प्रीति रखने वाली अपनी सेना के बलों को बढ़ाते हैं वे शत्रु रहित असंख्य धनयुक्त बहुत धन दान देने वाले और प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य युक्त आहार विहार उत्तम शिक्षा ब्रह्मचर्य और विद्यादि गुणों से अपने संतानों को पुष्टि युक्त सत्य की प्रशंसा करने वाले और पाप से अलग रहने वाले करते और प्राण के समान प्रजा को आनंदित करते हैं वे अनंत सुख भोक्ता होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो आप बलवान कल्याण के लिए आचरण करने वाले सुमार्गगामी परिपूर्ण धन सेनादि सहित हैं वे प्रत्यक्ष शत्रुओं को जीत सकते हैं। भावार्थ जो ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त हुए गृहाश्रम में आभूषणों को धारण किए पुरुषार्थ युक्त परोपकारी वानप्रस्थाश्रम में वैराग्य को प्राप्त पढ़ाने में रमे हुए और संन्यास आश्रम में प्राप्त हुआ यथार्थ भाव जिनको और परोपकारी सर्वत्र विचरते सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कराते हुए समस्त मनुष्यों को बढ़ाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पवन समस्त मूर्तिमान पदार्थों को धारण करने वाले बिजली के संयोग से प्रकाश और सर्वत्र व्याप्त हैं वैसे विद्वान जन मूर्तिमान द्रव्यों की विद्या और विद्यार्थियों के संयोग के विशेष ज्ञान को देने वाले सकल विद्या और शुभ आचरणों में व्याप्त होते हुए मनुष्यों में उत्तम होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जिनकी प्राण के तुल्य महिमा विस्तार युक्त विद्या का दान आकाशवत शांतियुक्त शील और बिजली के समान दुष्टाचरण का त्याग है वे सबको सुख देने को योग्य हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वायु इस सृष्टि में और वर्तमान प्रलय में वर्तमान है वैसे नित्य जीव हैं तथा जैसे वायु जड़ वस्तु को भी नीचे ऊपर पहुंचाते हैं वैसे ही जीव भी कर्मों के साथ पिछले बीच के और अगले समय में समय और अपने कर्मों के अनुसार चक्कर खाते फिरते हैं। भावार्थ जिनके सहाय से मनुष्य बहुत विद्या धर्म और बल वाले हों उनकी नित्य वृद्धि करें। विद्वान जन जैसे धर्म का आचरण करें वैसा ही और भी जन करें। भावार्थ मनुष्यों को विद्वानों की स्तुति कर शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं की वाणी सुन शरीर और आत्मा के बल को बढ़ा दीर्घ जीवन प्राप्त करना चाहिए। इस सूक्त में मरुत शब्दार्थ से विद्वानों के गुण का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 166वां सूक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 167वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ मनुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से और यथा योग्य क्रिया से असंख्य सुख होते हैं वे हमारे हों ऐसा मानकर निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। अब पवन के दृष्टांत से सज्जन के गुणों को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो अतीव बड़ी नौकाओं से पवन के समान वेग से व्यवहार सिद्धि के लिए समुद्र के वार पार जा आके धन की उन्नति करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य सत्य असत्य के निर्णय के लिए सब शुभ गुण
कर्म स्वभाव वाली विद्या सुशिक्षा युक्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को प्राप्त होते हैं। वे बहुत ऐश्वर्यवान होते हुए दिशाओं में सुंदर कीर्ति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे आयु और बिजली के योग से उत्पन्न हुई वर्षा अनेक औषधियों को उत्पन्न कर सब प्राणियों की जीवन देकर दुखों को दूर करती है, वा जैसे उत्तम पतिव्रता स्त्री पति को आनंदित करती है, वैसे ही विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा की वर्षा से और धर्म के सेवन से मनुष्यों को आह्लादित करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे अग्नि बिजली रूप से सबको सब प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाशित करती है, वैसे सब विद्या उत्तम शिक्षाओं को पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है। भावार्थ, सब राजपुरुषादिकों को अत्यंत योग्य है कि अपने कन्या और पुत्रों को दीर्घ ब्रह्मचर्य में संस्थापित कर विद्या और उत्तम शिक्षा उनको ग्रहण करा पूर्ण विद्या वाले परस्पर प्रसन्न पुत्र कन्याओं का स्वयंवर विवाह करावें, जिससे जब तक जीवन रहे तब तक आनंदित रहें। भावार्थ, मनुष्यों का यही बड़प्पन है कि जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से कुमार और कुमारी शरीर और आत्मा के पूर्ण बल के लिए विद्या और उत्तम शिक्षा को ग्रहण कर चिरंजीवी दृढ़ जिनके शरीर और मन ऐसे भाग्यशाली संतानों को उत्पन्न कर उनको प्रशंसित करना। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्या धर्म और उत्तम शिक्षा के देने से अज्ञानियों को अधर्म से निवृत्त कर ध्रुव और शुभ गुण कर्मों को प्राप्त कराते हैं, वे सुख से अलग नहीं होते। भावार्थ, यदि हम लोग पूर्ण शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होवें तो शत्रुजन हमारा और तुम्हारा पराजय न कर सकें। जो दुष्ट और लोभादि दोषों को छोड़ें वे अति बली होकर दुख के पार पहुँचें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो विद्वानों से प्रीति युद्ध में उत्साह और मनुष्यादिकों का प्रिय काम का पहले से आचरण करते हैं वे सबके प्यारे हैं। भावार्थ, जो सबसे प्रशंसा करने योग्य गुणों को प्राप्त होकर आप धर्मात्मा सज्जनों का सत्कार कर शरीर और आत्मा के बल के लिए विद्या और पराक्रम संपादन करते हैं वे सुख से जीते हैं। इस सूक्त में वायु के दृष्टांत से सज्जनों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह 167वां सूक्त और 5वां वर्ग पूरा हुआ। अब 168वें सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ में पवन के दृष्टांत से सज्जनों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पवन नियम से अनेक विध गतिमान होकर विश्व का धारण करते हैं, वैसे विद्वान जन विद्या और उत्तम शिक्षा युक्त होकर विद्यार्थियों को धारण करें, जिससे असंख्य ऐश्वर्य प्राप्त हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पवन के समान बलवान, तरंगों के समान उत्साही, गौओं के समान उपकार करने वाला, किरणों के तुल्य सुखजनक, दुष्टों को कंपाने भय देने वाले मनुष्य हों, वे यहाँ धन्य होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सज्जन औषधियों के समान दुष्ट शिक्षा और दुष्टाचार के विनाश करने, सेवकों के समान सुख देने और पतिव्रता स्त्री के समान प्रिय आचरण करने वाले क्रिया कुशल हैं, वे इस सृष्टि में सब विद्याओं के अच्छे धारण करने योग्य यथा योग्य कामों में वर्तने को योग्य होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पवन आप ही आते जाते हैं और अग्नि आदि पदार्थों को धारण कर दृढ़ता से प्रकाशित करते हैं, वैसे विद्वान जन आप ही पढ़ाने और उपदेशों में नियुक्त हो व्यर्थ कामों को छोड़ और छुड़वा के विद्या और उत्तम शिक्षा से सब जनों को प्रकाशित करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जब जिज्ञासुजन विद्वानों के प्रति पूछें तब विद्वान जन इनके लिए यथार्थ उत्तर देवें।
भावार्थ जिसमें यह भूगोल आदि जगत जाता आता कांपता उसी को आकाश के समान कारण जानो, जिसमें ये लोक उत्पन्न होते भ्रमते और प्रलय को हो जाते वह परम उत्कृष्ट निमित्त कारण ब्रह्म है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो इन जीवों की पाप पुण्य से उत्पन्न हुई सुख दुख फल वाली गति है उससे समस्त जीव विचरते हैं। जो पुरुषार्थी जन सेना जन शत्रुओं को जैसे वैसे पापों को जीत निवार धर्म का आचरण करते हैं वे सदैव सुखी होते हैं। भावार्थ जो मनुष्य नदी के समान आर्द्रचित्त बिजली के समान तीव्र स्वभाव वाले विद्या को पढ़कर पढ़ाते हैं वे सूर्य के समान सत्य और असत्य को प्रकाश करने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो विचक्षण राजपुरुष विजय के लिए प्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्नादि ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं वे तृप्ति को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो समस्त विद्या की स्तुति और प्रशंसा करने और आप्तवाक अर्थात धर्मात्मा विद्वान की वाणियों में रहने तथा जीवों की दया से युक्त सज्जन पुरुष हैं वे सबके सुखों को उत्पन्न कराने वाले होते हैं। इस सुक्त में पवनों के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 168वां सुक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 169वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो विरक्त सन्यासियों के संग से बुद्धिमान होते हैं उनको कभी अनिष्ट दुख नहीं उत्पन्न होता। भावार्थ जो पहले ब्रह्मचर्य से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा शास्त्रज्ञ विद्वानों के संग से समस्त शिक्षा को पाकर धार्मिक होते हैं वे संसार को सुख देने वाले होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जिस अनादि कारण को विद्वान जानते उसको और जन नहीं जान सकते हैं। भावार्थ जैसे बहुत पदार्थों को देने वाला यजमान ऋतु ऋतु में यज्ञादि कराने वाले पुरोहित के लिए बहुत धन देकर उसको सुशोभित करता है वा जैसे पुत्र माता का दूध पी के पुष्ट हो जाते हैं वैसे सभाध्यक्ष के परितोष से भृत्यजन पूर्ण धनी और उनके दिए भोजनादि पदार्थों से बलवान होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो वायु विद्या के जानने वाले परोपकार और विद्या दान देने से प्रसन्नचित्त पृथ्वी के समान सब प्राणियों को पुरुषार्थ से धारण करते हैं वे सर्वदा सुखी होते हैं। भावार्थ जो पुरुष और जो स्त्री ब्रह्मचर्य से बलों को बढ़ाकर आप्त धर्मात्मा शास्त्रवक्ता सज्जनों की सेवा करते हैं वे पुरुष विद्वान और वे स्त्रियां विदुषी होती हैं। अब प्राकृत विषय में शूरवीर होने के गुणों को कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है जो दुष्ट पुरुष और स्त्रियों के कठोर शब्दों को सुनकर नहीं सोच करते हैं वे शूरवीर होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि विद्वानों के सत्कार से विद्यार्थियों को अध्ययन कर पदार्थ विद्या के विज्ञान को प्राप्त होवें। इस सुक्त में विद्वान आदि के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 169वां सुक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 170वें सुक्त का आरंभ है उसके आरंभ से प्रकारांतर करके विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो जीव रूप होकर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न होकर विनाश को प्राप्त होता है नित्य आश्चर्य गुण कर्म स्वभाव वाला अनादि चेतन है उसका जानने वाला भी आश्चर्य स्वरूप होता है। भावार्थ जो कोई बंधुओं को पीड़ा देना चाहे वे सदा पीड़ित होते हैं जो बंधुओं की रक्षा किया करते हैं वे समर्थ होते हैं अर्थात सब काम उनके प्रबलता से बनते हैं। जो सबका उपकार करने वाले हैं उनको कुछ भी काम अप्रिय नहीं प्राप्त होता। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो जिनके मित्र हों वे मन वचन और कर्म से उनकी प्रसन्नता का काम करें और जितना विद्या ज्ञान
अपने को हो उतना मित्र को समर्पण करें। भावार्थ, जैसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले और यजमान अग्नि में सुगंधादि द्रव्य का हवन कर उससे वायु और जल को अच्छे प्रकार शोध कर जगत को सुख से युक्त करते हैं, वैसे अध्यापक और उपदेशक औरों के अंतःकरणों में विद्या और उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सबके सुख का विस्तार करें। भावार्थ, जो धनवान सबके मित्र बहुतों के साथ संस्कार किए हुए अन्नों को खाते और विद्या से परिपूर्ण विद्वान के साथ संवाद करते हैं, वे समर्थ और ऐश्वर्यवान होते हैं। इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 170वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 171वें सूक्त का आरंभ है, उसमें फिर विद्वानों के कृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो शुद्ध अंतःकरण से नाना प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त होते हैं, वे कहीं अनादर नहीं पाते। भावार्थ, जो धार्मिक विद्वानों के शील को स्वीकार करते हैं, वे प्रशंसित होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, मनुष्यों को चाहिए कि जिनमें जैसे गुण कर्म स्वभाव हों उनकी वैसी प्रशंसा करें, और प्रशंसा योग्य वे ही हों जो औरों की सुखोन्नति के लिए प्रयत्न करें, और वे ही सेवने योग्य हों जो पाप चरण को छोड़ धार्मिक हों, वे प्रतिदिन विद्या और उत्तम शिक्षा की वृद्धि के अर्थ उद्योगी हों। भावार्थ, जब किसी राजपुरुष से अन्याय पूर्वक पीड़ा को प्राप्त होता हुआ प्रजाजन सभा के बीच अपने दुख का निवेदन करे, तब उसके मन के कांटों को उपाड़ देवें, अर्थात उसके मन की शुद्ध भावना करा देवें, जिससे राजपुरुष न्याय में वर्ते और प्रजा जन भी प्रसन्न हों। जितने स्त्री पुरुष हों वे सब शस्त्र का अभ्यास करें। भावार्थ, जहाँ सभा में मूल जड़ के अर्थात निष्कलंक कुल परंपरा से उत्पन्न हुए और शास्त्र वेत्ता धार्मिक सभासद सत्य न्याय करें और विद्या तथा अवस्था से वृद्ध सभापति भी हों, वहाँ अन्याय का प्रवेश नहीं होता है। भावार्थ, जो मनुष्य क्रोधादि दोष रहित विद्या विज्ञान धर्मयुक्त क्षमावान जन सज्जनों के साथ जो दंड देने योग्य नहीं हैं उनकी रक्षा करते और दंड देने योग्य को दंड देते हैं, वे राज कर्मचारी होने के योग्य हैं। इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 171वां सूक्त और 11वां वर्ग पूरा हुआ। अब 3 ऋचा वाले 172वें सूक्त का आरंभ है, इसमें पवन के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, हे मनुष्यों, जैसे जीवन का अच्छे प्रकार देना वर्षा करना आदि पवनों के अद्भुत कर्म हैं, वैसे तुम्हारे भी हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो मनुष्य मेघ के समान सुख देने वाले दुष्टों को छोड़ने वाले श्रेष्ठों के समीप और दुष्टों से दूर बसते हैं, वे संग करने योग्य हैं। भावार्थ, जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता वैसे सभापति वर्ते, जैसे प्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो, मनुष्य उत्कृष्ट अति उत्तम बहुत जीने वाले उत्पन्न हों, वैसा कार्यारंभ सबको करना चाहिए। इस सूक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रशंसा होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 172वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले 173वें सूक्त का आरंभ है, उसके आरंभ से फिर विद्वानों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे किरण अंतरिक्ष में बिखरकर सबका प्रकाश करती है, वैसे हम लोगों को विद्या से सबके अंतःकरण प्रकाशित करने चाहिए। जैसे निराधार पक्षी आकाश में जाते आते हैं, वैसे विद्वानों और लोक लोकांतरों की चाल हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे स्वयंवर किए हुए स्त्री पुरुष
परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग से घर के कामों को सिद्ध कर विद्वानों के संग से सत्य का स्वीकार कर असत्य को छोड़कर परमेश्वर और विद्वानों का सत्कार करते हैं, वैसे समस्त मनुष्य संग करने वाले हों। फिर प्रकारांतर से उपदेश विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे घोड़ा और गौवें परिमित मार्ग को जाते हैं, वैसे अग्नि नियत किए हुए देश स्थान को जाता है। जैसे धार्मिक जन अपने पदार्थ लेते हैं, वैसे ऋतु अपने चिन्हों को प्राप्त होते हैं। वा जैसे द्यावा पृथ्वी एक साथ वर्तमान हैं, वैसे विवाह किए हुए स्त्री पुरुष वर्ते। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य चंद्रमा के समान शुभ गुण कर्म स्वभावों से प्रकाशित आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं के तुल्य आचरण करते हैं, वे क्या क्या सुख नहीं पाते। अब भले बुरे के विवेक करने पर जो विद्वानों का विषय है, उसका अगले मंत्र में उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि उसकी स्तुति करें जो प्रशंसित कर्म करें, और उसकी निंदा करें जो निंदित कर्मों का आचरण करें। वह स्तुति योग्य है जो सत्य कहना, और वही निंदा है जो किसी के विषय में झूठ बकना है। अब इस प्राकृतिक विद्ध विषय में लोक लोकांतर विज्ञान विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे प्रकाश रहित पृथ्वी आदि पदार्थ सबका आच्छादन करते हैं, वैसे सूर्य अपने प्रकाश से सबका आच्छादन करता है। जैसे भूमि पदार्थों को पृथ्वी धारण करती है, वैसे ही सूर्य भूगोलों को धारण करता है। अब विद्ध विषय में राज्य प्राप्ति का साधन विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, वे निर्वैर हैं जो अपने समान और प्राणियों को जानते हैं। उन्हीं का राज्य बढ़ता है जो सत्पुरुषों का ही प्रतिदिन संग करते हैं। फिर विद्वानों के उपदेश से राज विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य आकाश में मेघ की उन्नति कर सबको सुखी करता है, वैसे सज्जन पुरुष का बढ़ता हुआ ऐश्वर्य सबको आनंदित करता है। जैसे पुरुष विद्वान हो, वैसे स्त्री भी हो। अब मित्र परत्व से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सब प्राणियों में मित्र भाव से वर्तमान हैं, वे सबको अभिवादन करने योग्य हों। जो सबको उत्तम बोध को प्राप्त करते हैं, वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते हैं। अब राज शिक्षा पर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सत्याचरण में स्पर्धा करने वाले सबके मित्र पक्षपात रहित सत्य का आचरण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते हैं, वैसे ही सभापति राजा प्रजाजनों में वर्तें। पूर्वोक्त विषय को विशद करते हुए अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, पूर्व मंत्र में अति शीघ्रता से रक्षा चाहते हुए विद्वान बुद्धिमान जन शिक्षा करना रूप आदि यज्ञों से अपनी पूरी नगरी के पालने वाले राजा को समीप जाकर शिक्षा देते हैं। यह जो विषय कहा था, वहां यज्ञ से शीघ्रता का उपदेश करते हुए यज्ञो ही इस मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो सुख के बढ़ाने की इच्छा करें तो सब धर्म का आचरण करें, और जो परोपकार करने की इच्छा करें तो सत्य का उपदेश करें। अब साधारण जनों में बलादि विषय में विद्वानों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो बल को प्राप्त हो, वह सज्जनों में शत्रु के समान न वर्ते। सदा आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा जनों के उपदेश को स्वीकार करे, इतर अधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करे। भावार्थ, किसी भद्र जन को अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, तथा औरों से कही हुई अपनी प्रशंसा सुनकर न आनंदित होना चाहिए, अर्थात न हंसना चाहिए। जैसे अपने से अपनी उन्नति चाही जावे, वैसे औरों की उन्नति सदैव चाहनी चाहिए। इस सूक्त में विद्वानों के विषय का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 173वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ।
अब 174वें सूक्त का आरंभ है। उसमें आरंभ से राजकृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जो राजा होना चाहे वह धार्मिक सत्पुरुष विद्वान मंत्री जनों को अच्छे प्रकार रख के उनसे प्रजा जनों की पालना करावे। जो ही सत्याचारी बलवान सज्जनों का संग करने वाला होता है वह राज्य को प्राप्त होता है। फिर उसी विषय को सूर्य के दृष्टांत से कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा को चाहिए कि शत्रुओं के पुर नगर शरद आदि ऋतुओं में सुख देने वाले स्थान आदि वस्तु नष्ट कर शत्रुजन निवारणे चाहिए। और सूर्य मेघ जल से जैसे जगत की रक्षा करता है वैसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। अब राजा जन सपत्निक परिभ्रमण करें और कला कौशल की सिद्धि के लिए अग्नि विद्या को जानें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सिंह अपने भिटे में बल से सबको रोकता ले जाता है वैसे राजा निज बल से अपने घर में लाभ प्राप्त के लिए प्रयत्न करे। जिस अच्छे प्रकार प्रयोग किए अग्नि से यान शीघ्र जाते हैं उस अग्नि से सिद्ध किए हुए यान पर स्थिर होकर स्त्री पुरुष इधर उधर से जावें आवें। अब राज धर्म में संग्राम विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो अपने स्वभावानुकूल शूरवीर हों वे अपने अपने अधिकार में न्याय से वर्त कर शत्रुजनों को विशेष धर्म के अनुकूल अपनी महिमा का प्रकाश करावें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य प्रतापवान है वैसा प्रतापवान राजा अस्त्र और शस्त्रों के प्रहारों से संग्राम में शत्रुओं को जीतकर अपने राज्य को बढ़ावे। भावार्थ, जो मित्र के समान बातचीत करते हुए दुष्ट प्रकृति चतुर शत्रुजन सज्जनों को उद्वेग कराते उनको राजा समूल जैसे वे नष्ट हों वैसे मारे और न्यायासन पर बैठकर अच्छे प्रकार देख विचार अन्याय को निवृत्त करे। भावार्थ, शास्त्र जानने वाले सभापति शूद्र वर्ग के लिए शास्त्र की शिक्षा के साथ उत्तमानाद की वृद्धि करने वाली भूमि को संपादन करावे और सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के लिए उत्तम मध्यम निकृष्ट दान व्यवहारों को सिद्ध करे और सब काल में संग्रामादि भूमियों में शत्रुओं का संहार कर अपने राज्य को बढ़ाता रहे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राजा जन संग्रामादि भूमियों में ऐसे शूरता दिखलाने वाले कामों का आचरण करें जिनको देख के ही जिन्होंने पिछले शूरता से काम नहीं देखे वे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत हों। अब प्रकारांतर से राजधर्म विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे शरीरस्थ बिजली रूप अग्नि नाड़ियों में रुधिर को पहुंचाती है और सूर्यमंडल जल को जगत में पहुंचाता है वैसे प्रजाओं में सुख को प्राप्त करावें और दुष्टों को कंपावें। भावार्थ, जो यम नियमों से युक्त नियत इंद्रिय वाले प्रजाजनों के रक्षक चौर्यादि कर्मों को छोड़े हुए अपने राज्य में निवास करते हैं वे अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। इस मंत्र में राजजनों के कृत्यों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 174वां सूक्त और 17वां वर्ग पूरा हुआ। अब 175वां सूक्त और 18वां वर्ग आरंभ है। इसमें राज विषयक को प्रकारांतर से कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे घोड़े दूध आदि पी घास खा बलवान और वेगवान होते हैं वैसे पथ्य औषधियों के सेवन करने वाले पुरुष आनंदित होते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि आप्त धर्मात्मा जनों का औषधि रस हमको प्राप्त हो ऐसी सदा चाहना करें। अब राज विषय में सेनापति के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो सेनापति युद्ध में रथ आदि यान और योद्धाओं को ढंग से चलाने को जानते हैं वे आग जैसे काष्ठ को वैसे डाकुओं को भस्म कर सकते हैं। अब राजधर्म विषय में सभापति के विषय को अगले मंत्रों में कहा है।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा करें वे डाकू और दुष्टाचारी मनुष्यों को निवार के न्याय को प्रवृत्त करावें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य के समान तेजस्वी, बिजली के समान पराक्रमी, यशस्वी, अत्यंत बली जन विद्या, विनय और धर्म का सेवन करते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो ब्रह्मचर्य के साथ शास्त्रज्ञ धर्मात्माओं से विद्या और शिक्षा पाकर औरों को देते हैं, वे सुख से तृप्त होते हुए प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। और जो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेश करते हैं, वे विज्ञान, बल और जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। इस सूक्त में राज व्यवहार के वर्णन से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 175वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 176वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राज विषय में विद्यानुकूल पुरुषार्थ योग को कहते हैं। भावार्थ जो प्रजाजनों को चाहे हुए सुखों के लिए दुष्टों की निवृत्ति कराते और सत्य आचरण को व्याप्त होते, वे महान ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। अब प्रकृति विषय में विद्या रूप बीज के विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कृषि बल खेती करने वाले उन खेतों में बीजों को बोकर अन्नों व धनों को पाते हैं, वैसे विद्वान जन, ज्ञान विद्या चाहने वाले शिष्य जनों के आत्मा में विद्या और उत्तम शिक्षा प्रवेश करा सुखों को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जिसके अधिकार में समग्र विद्या है, जो उत्पन्न हुए शत्रुओं को मारता है, वह दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाला होता है। भावार्थ जो आलसी जन हो उनको राजा ताड़ना दिलावे, जैसे विद्वान जन सबके लिए सुख देता है, वैसे जितना अपना सामर्थ्य हो उतना सुख सबके लिए देवें। भावार्थ जैसे सेनापति सब चाकरों की रक्षा करे, वैसे वे चाकर भी उसकी निरंतर रक्षा करें। अब प्राकृत विषय में योग के पुरुषार्थ का वर्णन किया है। भावार्थ जो जिज्ञासु जन योगारूढ़ पुरुषों से योग शिक्षा को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से योग का अभ्यास कर सिद्ध होते हैं, वे पूर्ण सुख को पाते, और जो उत्तम योगियों का सेवन करते वे भी सुख को प्राप्त होते हैं। इस सूक्त में विद्या पुरुषार्थ और योग का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 176वां सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 177 सूक्त का आरंभ है। उसमें राजा और विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे शुभ गुण कर्म स्वभाव वाले सभाध्यक्ष प्रजाजनों में चेष्टा करें, वैसे प्रजाजनों को भी चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कोई विमान पर चढ़ और ऊपर को जाकर नीचे आता है, वैसे विद्वान जन अगले पिछले विषय को जानने वाले हों। अब अगले मंत्र में राज विषय का उपदेश किया है। भावार्थ जो राजजन समस्त साधनों से साध्य रथों, प्रबल घोड़ों और बैलों को कार्य में संयुक्त कराते हैं, वे प्रशस्त यान आदि पदार्थों से युक्त हुए राजजन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ जो आहार विहार से युक्त सोमादि औषधियों के रस का सेवन करने वाले दीर्घ ब्रह्मचर्य किए हुए शरीर और आत्मा के बल से युक्त राजजन बिजली आदि पदार्थों के वेग से युक्त यानों को सिद्ध कर दंड से दुष्टों का निवारण कर न्याय से राज्य की रक्षा कराया करें, वे ही सुखी होते हैं। अब राजा और विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ सब मनुष्यों को व्यवहार में इच्छा यत्न कर जब राजा, ब्रह्मचारी तथा विद्या और अवस्था से बढ़ा हुआ सज्जन आवे, तब आसन आदि से उसका सत्कार कर पूछना चाहिए। वह उनके प्रति यथोचित धर्म के अनुकूल विद्या की प्राप्ति करने वाले वचन को कहे, जिससे दुख की हानि, सुख की वृद्धि और बिजली आदि पदार्थों की भी सिद्धि हो।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो धन को प्राप्त हों वे औरों का सत्कार करें, जो क्रिया कुशल शिल्पी जन ऐश्वर्य को प्राप्त हों वे सबको सत्कार करने योग्य हों। जैसे जैसे विद्या आदि अच्छे गुण अधिक हों वैसे वैसे अभिमान रहित हों। यहाँ राजा आदि विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 177वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 178वें सूक्त का प्रारंभ है। उसमें आरंभ से सेनापति के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ जो सेनापति आदि राजपुरुष अपने प्रयोजन के लिए किसी के काम को न विनाशे, सदैव पढ़ाने और पढ़ने वालों की रक्षा करें, जिससे बहुत बलवान आयुयुक्त जन हों। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा दयालु विद्वान किसी को नहीं मारते वैसे सब आचरण करें। भावार्थ जो विद्या की याचना करें उसको निरंतर विद्या देवें। जो जितेंद्रिय सत्यवादी होते हैं उन्हीं को विद्या प्राप्त होती है। जो विद्या और शरीर बलों से शत्रुओं के साथ युद्ध करते हैं उनका कैसे पराजय हो। भावार्थ जो उद्योगी और सत्यवादी जन सत्योपदेश करते हैं वे नायक अधिपति और अग्रगामी होते हैं। भावार्थ जो युद्ध करने वाले भृत्यों का सर्वथा सत्कार कर और उनको उत्साह दे युद्ध करते हैं, युद्ध करते हुओं की निरंतर रक्षा और मरे हुओं के पुत्र कन्या और स्त्रियों की पालना करें, वे सब सर्वत्र विजय करने वाले हों। इस सूक्त में सेनापति के गुणों के वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 178वां सूक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 179 सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विद्वान स्त्री पुरुष के विषय को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे बाल्यावस्था को लेकर विदुषी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समय से घर के कार्य और पति की सेवा आदि कर्म किए हैं, वैसा किया है ब्रह्मचर्य जिन्होंने, उन स्त्री पुरुषों को समस्त कार्यों का अनुष्ठान करना चाहिए। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ब्रह्मचर्यस्थ विद्यार्थियों को उन्हीं से विद्या और अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो पहले विद्या पढ़े हुए सत्याचारी जितेंद्रिय हों और उन ब्रह्मचारिणियों के साथ विवाह करें जो अपने तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाली विदुषी हों। अब गृहाश्रम व्यवहार में स्त्री पुरुष के व्यवहार को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जिस कारण आप विद्वान जन मिथ्याचारी मूढ़ विद्यार्थी जनों को नहीं पढ़ाते हैं, इससे स्त्री पुरुष मिथ्या आचार और व्यभिचारादि दोषों को त्यागें और जैसे गृहाश्रम का उत्कर्ष हो वैसे स्त्री पुरुष परस्पर धर्म के आचरण करने वाले हों। भावार्थ जो विद्या धैर्य आदि रहित स्त्रियों को विवाहते हैं वे सुख नहीं पाते हैं। जो पुरुष काम रहित कन्या को वा काम रहित पुरुष को कुमारी विवाहे वहाँ कुछ भी सुख नहीं होता, इससे परस्पर प्रीति वाले गुणों में समान स्त्री पुरुष विवाह करें वहाँ ही मंगल समाचार है। अब प्राकृत विषय में महौषधियों के सार संग्रह को कहा है। भावार्थ जो महौषधियों के रस को पीते हैं वे रोग रहित बलिष्ठ होते हैं। जो कुपथ्याचरण करते हैं वे रोगों से पीड़ायमान होते हैं। अब संतानोत्पत्ति विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कृषि करने वाले अच्छे खेतों में उत्तम बीजों को बोकर फलवान होते हैं और जैसे धार्मिक विद्वान जन सत्य कामों को प्राप्त होते हैं वैसे ब्रह्मचर्य से युवा अवस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह करें वे अच्छे खेत में उत्तम बीज के समान फलवान होते हैं। इस सूक्त में विदुषी स्त्री और विद्वान पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 179वां सूक्त 22वां वर्ग और 23वां अनुवाक समाप्त हुआ।
अब 180 सुक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से स्त्री पुरुषों के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जो स्त्री पुरुष लोक का विज्ञान राखते और पदार्थ विद्या संसाधित रथ से जाने वाले अच्छे आभूषण पहने, दुग्धाद रस पीते हुए समय के अनुरोध से कार्य सिद्ध करने वाले हैं, वे ऐश्वर्य को प्राप्त हों। भावार्थ, जो स्त्री पुरुष अग्नि आदि पदार्थों को शीघ्रगामी करने की विद्या को जाने तो यथेष्ट स्थान को जा सकते हैं। जिसकी बहिन पंडिता हो उसकी प्रशंसा क्यों न हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मंडल रस को खींचता है और चंद्रमा वर्षाता है, पृथ्वी की पुष्टिकर्ता वैसे अध्यापक उपदेश करने वाले बर्ताव रखें। जैसे क्रोधादि दोष रहित जन शांति आदि गुणों से सुखों को प्राप्त होते हैं, वैसे तुम भी हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। यदि स्त्री पुरुष गृहास्त्रम में मधुरादि रसों से युक्त पदार्थों और उत्तम पशुओं को रथ आदि यानों को प्राप्त होवें तो उनके सब दिन सुख से जावें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। विद्वान जन स्त्री पुरुषों के लिए ऐसा उपदेश करें कि जैसे हम लोग तुम्हारे लिए विद्याएं देवें, दुष्ट आचारों से अलग रखें, वैसा तुमको भी आचरण करना चाहिए और पृथ्वी के समान क्षमा तथा परोपकारादि कर्म करने चाहिए। अब संतानादि शिक्षा परक गार्हस्थ कर्म अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। पितादिक को चाहिए कि शिल्प क्रिया की कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न करावें। शिक्षा को प्राप्त हुए पुत्रादि समस्त पदार्थों को विशेषता से जानें और कला यंत्र से चलाए हुए पवन के समान जिसमें वेग, उस यान से जहां तहां चाहे हुए स्थान को जावें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान जन प्रशंसा करने योग्यों की प्रशंसा करते और निंदा करने योग्यों की निंदा करते हैं, वैसे वर्ताव रखें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो स्त्री पुरुष निरंतर सूर्य और चंद्रमा के समान अपने संतानों को विद्या और उत्तम उपदेशों से प्रकाशित कराते हैं, वे प्रशंसावान होते हैं। भावार्थ, मनुष्य जैसे अपने सुख के लिए जिन साधनों की इच्छा करें उन्हीं को औरों के आनंद के लिए चाहें। जो सुपात्र पढ़ाने वाले को धन दान देते हैं वे श्रीमान धनवान होते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को सदैव नवीन नवीन विद्या के कार्य सिद्ध करने चाहिए जिससे इस संसार में प्रशंसा हो और आकाशादिकों में जाने से इच्छा सिद्ध पाई जावें। इस सुक्त में स्त्री पुरुषों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 180वां सुक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 181 सुक्त का आरंभ है। इस सुक्त में अश्विपद वार्च्यों के दृष्टांत से अध्यापक और उपदेशक के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जब विद्वान जन मनुष्यों को विद्याओं की प्राप्ति कराते हैं तब वे सबके प्यारे ऐश्वर्यवान होते हैं। जब पढ़ने और पढ़ाने से और सुगंधादि पदार्थों के होम से जीवात्मा और जलों की शुद्धि कराते हैं तब प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, विद्वान जन जिन बिजली आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव से जाने और उनका औरों के लिए भी उपदेश देवें, जब तक मनुष्य सृष्टि की पदार्थ विद्या को नहीं जानते तब तक संपूर्ण सुख को नहीं प्राप्त होते हैं। भावार्थ, मनुष्यों से जो ऐश्वर्य की उन्नति के लिए पृथ्वी के तुल्य व मन के वेग के तुल्य वेगवान यान बनाए जाते हैं वे यहाँ स्थिर सुख देने वाले होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, इस सृष्टि में भूगर्भादि विद्या को जान के जो जीतने वाला अध्यापक बहुत ऐश्वर्य वाला सबका रक्षक पदार्थ विद्या को तर्क से जाने वह प्रसिद्ध होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे पवन सबको अपने वश में करता है तथा वायु और सूर्य लोक सबको धारण करते हैं, वैसे विद्या धर्म को धारण कर तुम भी सुखी होवो।
भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जो आप्त अध्यापक और उपदेशकों से विद्याओं को प्राप्त होके औरों को देते हैं। वे अग्नि के तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सब ओर से वर्तमान हैं। भावार्थ जो श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी को सुनते हैं, वे कुमार्ग को छोड़ सुमार्ग को प्राप्त होते हैं। जो मन और कर्म से झूठ बोलने को नहीं चाहते, वे माननीय होते हैं। फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य जब सत्य कहते हैं, तब उसके मुख की आकृति मलिन नहीं होती, और जब झूठ कहते हैं, तब उसका मुख मलिन हो जाता है। जैसे पृथ्वी पर औषधियों को बढ़ाने वाला मेघ है, वैसे जो सभासद उपदेश करने योग्यों को सत्य भाषण से बढ़ाते हैं, वे सब हितैषी होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य सबकी पुष्टि करने वाला अग्नि और प्रभात समय को प्रकट करता है, वैसे प्रशंसित दानशील पुरुष विद्वानों के गुणों को अच्छे प्रकार कहता है। इस सूक्त में अश्व के दृष्टांत से अध्यापक और उपदेशकों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की संगति पिछले सूक्त के साथ समझनी चाहिए। यह 181वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 182वें सूक्त का आरंभ है। इसमें आरंभ से विद्वानों के कार्यों को कहते हैं। भावार्थ हे मनुष्यों, वे श्रेष्ठ अध्यापक और उपदेशक नहीं हैं कि जिनके संग से प्रजा पालना, सुशीलता, ईश्वर धर्म और शिल्प व्यवहार की विद्या न बढ़े। भावार्थ जो बिजली, अग्नि, जल और वायु इनसे चलाए हुए रथ पर स्थित हो देश देशांतर को जाते हैं, वे परिपूर्ण धन जीतने वाले होते हैं। भावार्थ अध्यापक और उपदेशक जैसे आप्त विद्वान सबके सुख के लिए उत्तम यत्न करता है, वैसे अपना वर्ताव न वर्तें। भावार्थ जिनका दुष्टों के बांधने, शत्रुओं के जीतने और विद्वानों के उपदेश के स्वीकार करने में सामर्थ्य है, वे ही हम लोगों के रक्षक होते हैं। अब प्रकरणगत विषय में नौका और विमानादि बनाने के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जो जन लंबी चौड़ी ऊंची नावों को रच के समुद्र के बीच जाना आना करते हैं, वे आप सुखी होकर औरों को सुखी करते हैं। फिर नौकाद यान विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ मनुष्य जब नौका में बैठ समुद्र के मार्ग से जाने की इच्छा करें, तब बड़ी नाव के साथ छोटी छोटी नावें जोड़ समुद्र में जाना आना करें। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे नौका पर जाने वालों, समुद्र में कोई वृक्ष है जिसमें बधी हुई नौका स्थिर हो? वहां न ही वृक्ष और न आधार है, किंतु नौका ही आधार, बल्ली ही खंभे हैं। ऐसे ही जैसे पखेरु ऊपर को जा फिर नीचे आते हैं, वैसे ही विमानाद यान हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को यह अच्छे प्रकार उचित है कि अपने प्रयोजन को चाहें और परोपकार भी चाहें, और विद्वान जन जिस जिस का उपदेश करें उस को प्रीति से सब लोग ग्रहण करें। इस सूक्त में विद्वानों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 182वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 183 सूक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से विद्वानों की शिल्प विद्या के गुणों का विषय कहा है। भावार्थ जो शीघ्र ले जाने और पखेरु के समान आकाश में चलाने वाले सांगोपांग अच्छे बने हुए रथों को नहीं सिद्ध करते हैं, वे कैसे ऐश्वर्य को पावें? भावार्थ मनुष्य जिन यानों से जाने को चाहें, वह सुंदर पृथ्व्यादिकों में शीघ्र चलने योग्य प्रभात वेला के समान प्रकाशमान जैसे वैसे अच्छे विचार से बनावें। भावार्थ मनुष्य अपने संतानों की सुखोन्नति के लिए अच्छा दृढ़ लंबे चौड़े सांगोपांग सामग्री से पूर्ण शीघ्र चलने वाले भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य अर्थात चटपट खाने, उत्तमता से धीरज में खाने, चाटने और चूसने योग्य पदार्थों से युक्त रथ से पृथ्वी समुद्र और आकाश मार्गों में अति उत्तमता से सावधानी के साथ जावें
और आमीन। भावार्थ, मनुष्य जब घर में निवास करें वा यानों में और वन में प्रतिष्ठित होवें, तब भोग करने के लिए पूर्ण भोग और उपभोग योग्य पदार्थों, शस्त्र वा अस्त्रों और वीर सेना को संस्थापन कर निवास करें वा जावें, जिससे कोई विघ्न न हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे नौकाद यान से जाने वाले जन सरल मार्ग से बताई हुई दिशा को जाते हैं, वैसे सीखने वाले विद्यार्थी जन आप्त विद्वानों के समीप जावें। भावार्थ, जो अतीव शिल्प विद्यावेत्ता जन हों, वे ही नौकाद यानों से भू समुद्र और अंतरिक्ष मार्गों से पार अवार ले जा सकते हैं। वे ही विद्वानों के मार्गों में अग्नि आदि पदार्थों के बने हुए विमान याद यानों से जाने को योग्य हैं। इस सुक्त में विद्वानों को शिल्प विद्या के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 183वां सुक्त और 29वां वर्ग और चतुर्थाध्याय समाप्त हुआ। इस अध्याय में जन्म, पवन, इंद्र, अग्नि, अश्व और विमानादि यानों के गुणों का वर्णन आदि होने से इस अध्याय के अर्थ की पिछले अध्याय के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्याणाम् परम विदुषाम श्रीमद् विरजानंद सरस्वती स्वामिनाम शिष्येण परमहंस परिव्राजकाचार्येण श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामिनाम निर्मिते आर्य भाषा विभूषिते सुप्रमाण युक्ते ऋग्वेद भाष्ये द्वितीयाष्टकस्य चतुर्थाध्यायः समाप्तः। अथ द्वितीयाष्टके पंचमाध्यायारंभः। ओं विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्न आसुव। अब द्वितीयाष्टक के पंचम अध्याय के प्रथम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में अध्यापक और उपदेशक विषय को कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन आकाश और पृथ्वी से उपकार करते हैं, वैसे हम लोग विद्वानों से उपकार को प्राप्त हुए वर्तें। भावार्थ, जैसे अध्यापक और उपदेश करने वाले जन पढ़ाते और उपदेश सुनाते योग्य पुरुषों को वेद वचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर विद्वान करते हैं, वैसे उनके वचनों को सुनके वे सब काल में सबको आनंदित करने योग्य हैं। अब शिष्य को शिखावट देने के ढंग का अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसी वाणकृत सेना अर्थात वाण के समान प्रेरणा दी हुई सेना शत्रुओं को जीतती है, वैसे धन के श्रेष्ठ उपाय को शीघ्र ही करें। काल के विशेष विभागों में जो दिन हैं उनमें कार्य जैसे बनते हैं, वैसे रात्रि भागों में नहीं उत्पन्न होते हैं। श्रेष्ठ गुणी जनों की सब जगह प्रशंसा होती है। अब सज्जनता का आश्रय लिए हुए अध्यापक और उपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो आप्त श्रेष्ठ सद्धर्मी सज्जनों की नीति और विद्वानों की स्तुति मनोहर हो, वह उत्तम पराक्रम के लिए समर्थ होती है। अब अध्यापक और उपदेशकों की प्रशंसा का विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, वही स्तुति होती है जिसको विद्वान जन मानते हैं, वैसा ही परोपकार होता है जैसा अपने संतान और अपने लिए चाहा जाता है, और वही धर्म मार्ग हो जिसमें श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान जन चलते हैं। फिर अध्यापकोपदेशक विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, वे ही विद्या के परमार मनुष्यों को पहुंचा सकते हैं जो धर्म मार्ग से ही चलते हैं और यथार्थ के उपदेशक भी हैं। इस सुक्त में अध्यापक और उपदेशकों के लक्षण को कहने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 184वां सुक्त और प्रथम वर्ग समाप्त हुआ। अब 185वां सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से उत्पन्न होने योग्य और उत्पन्न करने वाले के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जो इस जगत में द्यावा पृथ्वी और जो प्रथम कारण पर कार्य रूप पदार्थ हैं, तथा जो आधाराध्येय संबंध से दिन रात्र के समान वर्तमान हैं, उन सबको तुम जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे भूमि सूर्य दृढ़ होते हुए स्थावर जंगम
चर अचर जगत को बहुत प्रकार से पाल के बढ़ाते हैं, वैसे माता पिता अतिथि आचार्य संतान और शिष्यों की अच्छे प्रकार रक्षा कर विद्या और उत्तम शिक्षा से बढ़ावें। भावार्थ, जो ये भूमि सूर्य और प्रत्यक्ष पदार्थ दिखते हैं वे अविनाशी अनादिकरण से हुए हैं ऐसा जानना चाहिए। फिर दृष्टांत प्राप्त द्यावा पृथ्वी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पृथ्वी आदि पदार्थ समस्त स्थावर जंगम की पालना करते हैं, वैसे माता पिता आचार्य और राजा आदि प्रजा की रक्षा करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे ब्रह्मचर्य से विद्या सिद्ध किए हुए तरुण जिनको परस्पर पूर्ण प्रीति है वे कन्यावर सुखी हों, वैसे द्यावा पृथ्वी जगत के हित के लिए वर्तमान है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो माता पिता सत्योपदेश से सूर्य के समान विद्या प्रकाश से युक्त सर्वगुण संभृत पृथ्वी जैसे जल से वृक्षों को वैसे शारीरिक बल से बढ़ाते हैं वे सबकी रक्षा करने योग्य हैं। भावार्थ, जैसे पृथ्वी के समीप में चंद्रलोक की भूमि है वैसे सूर्य लोकस्थ भूमि दूर में है। ऐसे सब जगह प्रकाश और अंधकार रूप लोकद्वय वर्तमान है। उन लोकों से जैसे उन्नति हो वैसा यत्न सबको करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो माता पिता संतानों को अन्न जल के समान नहीं पालते वे अपने धर्म से गिरते हैं, और जो माता पिताओं की रक्षा नहीं करते वे संतान भी अधर्मी होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य और चंद्रमा सबका संयोग कर प्राणियों को सुखी करते हैं, तथा जैसे धनाढ्य वैश्य बहुत अन्न आदि पदार्थ देकर भिखारियों को प्रसन्न करता है, वैसे विद्वान जन सबके प्रसन्न करने में प्रवृत्त होवें। चलते हुए विषय में चाहे हुए कहने योग्य विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। उपदेश करने वाले को उपदेश सुनने योग्यों के प्रति ऐसा कहना चाहिए कि जैसा प्रिय लोक हितकारी वचन मुझसे कहा जावे वैसे आप लोगों को भी कहना चाहिए। जैसे माता पिता अपने संतानों की सेवा करते हैं वैसे ये संतानों को भी सदा सेवने योग्य हैं। अब चलते हुए विषय को सत्य मात्र के उपदेश विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, माता पिता जब संतानों के प्रति ऐसा उपदेश करें कि जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं वे ही तुमको सेवन करने चाहिए और नहीं, तथा संतान माता पिता आदि अपने पालने वालों से कहें कि जो हमारे सत्य आचरण हैं वे ही तुमको आचरण करने चाहिए और उनसे विपरीत नहीं। इस सुक्त में द्यावा पृथ्वी के दृष्टांत से उत्पन्न होने योग्य और उत्पादक के कर्मों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति है यह जानना चाहिए। यह 150वां सुक्त और तीसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 186 सुक्त का आरंभ है। इसके आरंभ से विद्वानों का विषय कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमात्मा पक्षपात को छोड़ के सबका न्याय और सबों में समान प्रीति करता है वैसे विद्वानों को भी होना चाहिए। जैसे युवा अवस्था वाले पुरुष अपने समान मन को प्यारी युवती स्त्रियों के साथ विवाह कर सुखयुक्त होते हैं वैसे विद्वान जन विद्यार्थियों को विद्वान कर प्रसन्न होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जिन मार्ग से विद्वान जन चलें उसी से सर्वलोक चलें। जैसे आप्त शास्त्रज्ञ विद्वान जन औरों के सुख दुखों को अपने तुल्य जानते हैं वैसे ही सबको होना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो गृहस्थ जन प्रीति के साथ ज्येष्ठ उत्तम शास्त्रज्ञ विद्वानों और अतिथि की सेवा करते तथा धर्मयुक्त व्यवहार से उद्योगवान होते वे यथार्थ विज्ञान को पाकर श्रीमान होते हैं। अब विद्या को पाकर उद्योग करने के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो रात्रि दिवस के समान वर्तमान विद्या अविद्या को जानकर
सब समय में उद्योग कर धेनु के समान प्राणियों का उपकार कर दुष्टों को जीतते वे दूध में घी के तुल्य संसार में सारभूत होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो मेघ न हो तो माता के तुल्य प्राणियों की पालना कौन करे, जो सूर्य बिजली और पवन न हो तो इस मेघ को कौन धारण करे। अब मेघ और सूर्य के दृष्टांत से उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जो सूर्य के समान विद्या का प्रकाश कराते हैं और अपने आत्मा के तुल्य सबको मान सुखी करते हैं, वे बलवान होते हैं। फिर और दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जैसे घुड़चढ़ा शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान को वा जैसे गौवें बछड़े को वा स्त्री व्रत जन अपनी अपनी पत्नियों को प्राप्त होते हैं, वैसे विद्वान जन विद्या और श्रेष्ठ विद्वानों की वाणियों को प्राप्त होते हैं। अब पवन आदि के दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ जिनकी वीर सेना जो समान मति रखने वाले बड़े बड़े रथाद यान जिनके तीर पृथ्वी के समान क्षमाशील मित्र प्रिय विद्वान जन सबका प्रिय आचरण करते हैं, वे प्रसन्न होते हैं। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो राजजन पूरी विद्या वाले अध्यापकों को विद्या प्रचार के लिए प्रवृत्त करते हैं, वे महिमा बड़ाई को प्राप्त होते हैं। जो किए को जानने वाले कुलीन शूरवीरों की सेना को पुष्ट करते वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं। अब अध्यापक और उपदेशकों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, जो राग द्वेष रहित विद्या प्रचार के प्रिय पूरे शारीरिक आत्मिक बल वाले धार्मिक विद्वान हैं, उनको सब लोग विद्या प्रचार के लिए संस्थापन करें, जिससे सुख बढ़े। भावार्थ विद्या ही मनुष्यों को सुख देने वाली है। जिसने विद्या धन न पाया वह भीतर से सदा दरिद्र सा वर्तमान रहता है। इस सुक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 186वां सुक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 187 सुक्त का आरंभ है। उसके आरंभ से अन्न के गुणों को कहते हैं। भावार्थ जो बहुत अन्न को ले अच्छा संस्कार कर और उसके गुणों को जान और यथा योग्य व्यंजनादि पदार्थों के साथ मिला के खाते हैं, वे धर्म के आचरण करने वाले होते हुए शरीर और आत्मा के बल को प्राप्त होकर पुरुषार्थ से लक्ष्मी की उन्नति कर सकते हैं। भावार्थ मनुष्यों को मधुराद रस के योग से स्वादिष्ट अन्न और व्यंजन को आयुर्वेद की रीति से बनाकर सदा वह भोजन करना चाहिए, जो रोग को नष्ट करने से और आयु बढ़ाने से रक्षा करने वाला हो। भावार्थ अन्नादि पदार्थ व्यापी परमेश्वर आरोग्य देने वाली रक्षा रूप क्रियाओं से सब जीवों को मित्र भाव से अच्छे प्रकार पालता हुआ सबका मित्र हुआ ही वर्त रहा है। भावार्थ इस संसार में परमात्मा की व्यवस्था से लोक लोकांतरों में भूमि जल और पवन के अनुकूल रसादि पदार्थ होते हैं, किंतु सब पदार्थ सब जगह प्राप्त नहीं हो सकते। भावार्थ सब पदार्थों में व्याप्त परमात्मा ही सबके लिए अन्नादि पदार्थों को अच्छे प्रकार देता है और उसके किए हुए ही पदार्थ अपने गुणों के अनुकूल कोई अतीव स्वाद और कोई अतीव स्वादुतर हैं, यह सबको जानना चाहिए। भावार्थ यदि अन्न भोजन न किया जाए तो किसी का मन आनंदित न हो, क्योंकि मन अन्नमय है। इस कारण जिसकी उत्पत्ति के लिए मेघ निमित्त है उस अन्न को सुंदरता से बनाकर भोजन करना चाहिए। भावार्थ सब पदार्थों में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समय में स्मरण करें, जिस कारण जिस परमात्मा की कृपा से अन्नादि पदार्थ विविध प्रकार के पूर्वादि दिशा देश और काल के अनुकूल वर्तमान हैं, उस परमेश्वर ही का स्मरण कर सब पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। भावार्थ जल अन्न और घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न और व्यंजन इलायची मिर्च व घृत दूध पदार्थों को उत्तम बनाकर उन पदार्थों के भोजन करने वाले जनयुक्त आहार और विहार से पुष्ट होवें। भावार्थ जैसे मनुष्य अन्नादि पदार्थों में
उनकी पाक क्रिया के अनुकूल सब संस्कारों को करते हैं, वैसे रस को भी रसोचित संस्कारों से सिद्ध करें। भावार्थ, जैसे संयमी पुरुष शुभाचार से शरीर और आत्मा को बलयुक्त करता है, वैसे संयम से सब पदार्थों को सब वर्तो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गौवें तृण घास आदि खाकर रत्न दूध देती हैं, वैसे अन्नादि पदार्थों से श्रेष्ठतर भाग निकालना चाहिए। जो अपने संगियों का अन्नादि पदार्थों से सत्कार करते और परस्पर एक दूसरे के आनंद की इच्छा से परमात्मा का आश्रय लेते हैं, वे प्रशंसित होते हैं। इस सूक्त में अन्न के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 187वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 188 सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से रजोगुण का उपदेश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि के समान दुष्टों को सब ओर से कष्ट देता, सज्जनों के संग से शत्रुओं को जीतता, विद्वानों के संग से बुद्धिमान होता हुआ प्राप्त होने योग्य वस्तुओं को प्राप्त होता, वह राज्य करने के योग्य है। अब अध्यापक के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जिस कर्म से अतुल धन धान्य प्राप्त होते हैं, उसका अनुष्ठान आरंभ मनुष्य निरंतर करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गुण कर्म स्वभाव से अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ अग्नि बहुत कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे सेवा किया हुआ आप्त विद्वान समस्त शुभ गुणों और कार्य सिद्धियों को प्राप्त कराता है। भावार्थ, जिस सनातन कारण में सूर्यादि लोक लोकांतर प्रकाशित होते हैं, वहां तुम हम प्रकाशित होते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सब जगत की बहुत तत्वयुक्त सत्व रजस्तमो गुण वाली सूक्ष्म मात्रा नित्य स्वरूप से सदा वर्तमान है, उनको लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जान सब कार्य सिद्ध करने चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो इस सृष्टि में विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर कार्य ज्ञान पूर्वक कारण ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वे सूर्य चंद्रमा के समान परोपकार में रमते हैं। भावार्थ, इस संसार में जो जिनका उपकार करते हैं, वे उनको सत्कार करने योग्य होते हैं। अब स्त्री पुरुष के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, जो प्रशंसित सौंदर्य उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई श्रेष्ठतर शास्त्र विज्ञान में रमने वाली कन्या हों, वे अपने पाणि ग्रहण करने वाले पतियों को पाकर धर्म से धनादि पदार्थों की उन्नति करें। अब ईश्वर विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जगदीश्वर ने इंद्रियों से परे जो अति सूक्ष्म कारण है, उससे चित्र विचित्र सूर्य चंद्रमा पृथ्वी औषधि और मनुष्य के शरीर अवयवादि वस्तु बनाई हैं, वैसे इस सृष्टि के गुण कर्म और स्वभाव क्रम से अनेक व्यवहार सिद्ध करने वाली वस्तुएं बनानी चाहिए। अब देने वाले के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो वनादिकों की रक्षा से घास फूस और औषधियों को बढ़ाते हैं, वे सबका उपकार करने योग्य होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। यदि मनुष्य अग्नि प्रधान दिव्य पदार्थों को व्यवहार सिद्ध के लिए संयुक्त करें, तो वे ऐश्वर्य युक्त माननीय होते हैं, यह समझना चाहिए। इस सूक्त में अग्नि के दृष्टांत से राजा अध्यापक उपदेशक स्त्री पुरुष ईश्वर और देने वाले के गुणों का वर्णन होने से इसके अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह 188वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 189वां सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम द्वितीय मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश करते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को धर्म तथा विज्ञान मार्ग की प्राप्ति और अधर्म की निवृत्ति के लिए परमेश्वर की अच्छे प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए और सदा सुमार्ग से चलना चाहिए, दुख रूपी अधर्म मार्ग से अलग रहना चाहिए। जैसे विद्वान लोग परमेश्वर में उत्तम अनुराग करते, वैसे अन्य लोगों को भी करना चाहिए। भावार्थ,
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे परमेश्वर पुण्यात्मा जनों को दुष्ट आचार से अलग रखता और पृथ्वी के समान पालना करता है, वैसे विद्वान जन सुंदर शिक्षा से उत्तम कर्म करने वालों को दुष्ट आचरण से अलग कर सुंदर व्यवहार से रक्षा करता है। अब ईश्वर के दृष्टांत से विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे ईश्वर वेद द्वारा अविद्या रूपी रोग से मनुष्यों को अलग करता है, वैसे अच्छे वैद्य मनुष्यों को रोगों से निवृत्त कर अमृत रूपी औषधियों से बढ़ाकर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। फिर विद्वानों के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, वे ही प्रशंसनीय जन हैं जो निरंतर प्राणियों की रक्षा करते हैं। अब शिक्षा देने वाले के विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को विद्वान राजा अध्यापक और उपदेशकों के प्रति ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम लोगों को दुष्ट स्वभाव और दुष्ट संग वाले को मत पहुंचाओ, किंतु सदैव श्रेष्ठाचार धर्म मार्ग और सत्संगों में संयुक्त करो। भावार्थ, जो गुण दोषों के जानने वाले सत्याचरणवान जन समस्त हिंसक निंदक और कुटिल जनों से अलग रहते हैं, वे समस्त कल्याण को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है, जो विद्वान जन जितना हो सके उतना हिंसक क्रूर और निंदक जनों को अपने बल से सब ओर से मीज माज उनका बल नष्ट कर सत्य की कामना करने वालों को हर्ष दिलाते हैं, वे शिक्षा देने वाले होकर शुद्ध होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे आप्त शांत उपदेश करने वाले विद्वान जन श्रोता जनों के लिए सत्य वस्तुओं का उपदेश दे सुखी करते हैं, उनके साथ और विद्वान होते हैं, वैसे उपदेश दे दूसरे का श्रवण कर विद्यावृद्ध सब करें। इस सूक्त में परमेश्वर विद्वान और शिक्षा देने वाले के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह 189वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 190 सूक्त का आरंभ है, उसके प्रथम मंत्र से विद्वानों के गुण कर्म स्वभावों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जो गृहस्थ प्रशंसा करने वाले धार्मिक विद्वान वा अतिथि सन्यासी अभ्यागत आदि सज्जनों की प्रशंसा सुने, उन्हें दूर से भी बुलाकर अच्छी प्रीति अन्न पान वस्त्र और धनादिक पदार्थों से सत्कार कर उनसे संग कर विद्या के उन्नत से शरीर आत्मा के बल को बढ़ावे, न्याय से सबको सुख के साथ संयोग करावे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है, जैसे जल नीचे मार्ग से जाकर गड्ढे में ठहरता, वैसे जिसको विद्या शिक्षा प्राप्त होती है वह अभिमान को छोड़ के नम्र हो, विद्याशय और उचित कहने वाला प्रसिद्ध हो। जैसे सर्वत्र व्याप्त ईश्वर ने यथा योग्य विविध प्रकार का जगत बनाया, वैसे विद्वानों की सेवा करने वाला समस्त काम करने वाला हो। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जिसके सूर्य प्रकाश के तुल्य विद्या कीर्ति उद्यम प्रज्ञा और बल हो, वह सत्यवाणी वाला सबको सत्कार करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो दिव्य विद्या और प्रज्ञाशील विद्वानों की सेवा करता है, वह मेघ के डंग डमाल युक्त दिनों के समान वर्तमान अविद्या युक्त मनुष्यों को प्रकाश को सविता जैसे वैसे विद्या देकर पवित्र कर सकता है। भावार्थ, जो विद्वान जन अपने निकटवर्ती अज्ञ अभिमानी पापी जनों को उपदेश दे धार्मिक करते हैं, वे कल्याण को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो विद्वान जन पूर्ण साधन और उपसाधनों से युक्त उत्तम मार्ग से अविद्या युक्तों को विद्या और धर्म के बीच प्राप्त करते और जिसने इंद्रिय नहीं जीते उसको जितेंद्रियता देने वाले मित्र के समान शिष्यों को उत्तम शिक्षा देते हैं, वे इस जगत में अध्यापक और उपदेशक होने चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सबका आधार भूमि सूर्य के चारों ओर जाती है,
वा जैसे नदी समुद्र को प्रवेश करती है, वैसे सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों और विद्या को प्राप्त हो, धर्म में प्रवेश कर बाहर ले और भीतर के व्यवहारों को शुद्ध करें। भावार्थ, विद्वानों को चाहिए कि सकल शास्त्रों के विचार के सार से विद्यार्थी जनों को शास्त्र संपन्न करें, जिससे वे शारीरिक और आत्मिक बल और विज्ञान को प्राप्त होवें। इस सूक्त में विद्वानों के गुण, कर्म और स्वभावों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 190वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 191वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र से विषौषधि और विषवैद्यों के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कोई चंचल जन अध्यापक और उपदेशक को पाकर चंचलता देता है, वैसे न देखे हुए छोटे छोटे विषधारी मुक्तक, डांस आदि क्षुद्र जीव बार बार निवारण करने पर भी ऊपर गिरते हैं। भावार्थ, जो आए न आए वा आने वाले विषधारियों को अगली पिछली औषधियों को देने से निवृत्त कराते हैं, वे विषधारियों के विषों से नहीं पीड़ित होते हैं। भावार्थ, जो नाना प्रकार के तृणों में कहीं स्थानादि के लोभ से और कहीं उन तृणों की गंध लेने को अलग अलग छोटे छोटे विषधारी छिपे हुए जीव रहते हैं, वे अवसर पाकर मनुष्यादि प्राणियों को पीड़ा देते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे नाना प्रकार के जीव निज निज सुख संभोग के स्थान को प्रवेश करते हैं, वैसे विषधर जहाँ तहाँ पाए हुए स्थान को प्रवेश करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे चोरों में डाकू देखे और न देखे होते हैं, वैसे मनुष्य नाना प्रकार के प्रसिद्ध अप्रसिद्ध विषधारियों व विषों को जाने। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो विषधारी प्राणी हैं, वे शांत्यादि उपायों और औषध्यादिकों से विष निवारण करने चाहिए। भावार्थ, मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शरीर और आत्मा को दुख देने वाले विष दूर करने चाहिए, जिससे यहाँ निरंतर पुरुषार्थ बढ़े। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य अंधकार को निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है, वैसे वैद्य जनों को विषहरण औषधियों से विषों को निर्मूल करना विनाशना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सविता अपने प्रकाश से सब पदार्थों को प्राप्त होता है, वैसे विषहरणशील वैद्य जन विष संयुक्त पवन आदि पदार्थों को हरते और प्राणियों को सुखी करते हैं। अब सूर्य के दृष्टांत से उक्त विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जो रोग निवारक सूर्य के प्रकाश के संयोग से विषहरी वैद्य जन बड़ी बड़ी औषधियों से विष दूर करते हैं और मधुरता को सिद्ध करते हैं, सो यह सूर्य का विध्वंस करने वाला काम नहीं होता और वे विष हरने वाले भी दीर्घायु होते हैं। अब विष हरने वाले पक्षी के निमित्त को ले विष हरने के विषय को कहते हैं। भावार्थ, मनुष्य जो विष हरने वाले पक्षी हैं, उन्हें पालन कर उनसे विष हराया करें। अब और जीवों से विष हरने के विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जैसे जोंक विष हरने वाली हैं, वैसे 21 छोटी छोटी पक्षिणी पंखों वाली चिड़ियाँ विष खाने वाली हैं। उनसे और औषधियों से जो विष संबंधी रोगों का नाश करते हैं, वे चिरंजीवी होते हैं। फिर विषहरण विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, हम लोग जो यहाँ 99 प्रकार का विष है, उसके नाम गुण कर्म और स्वभावों को जानकर उस विष का प्रतिषेध करने वाली औषधियों को जान और उनका सेवन कर विष संबंधी रोगों को दूर करें। फिर विषहरण को मयूरिणियों के प्रसंग से कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जो 21 प्रकार की मयूर की व्यक्ति हैं, वे न मारनी चाहिए, किंतु सदैव उनकी वृद्धि करने योग्य है। जो नदी स्थिर जल वाली हो, वे रोग के कारण होने से न सेवनी चाहिए। जो जल चलता है, सूर्य किरण और वायु को छूता है,
वह रोग दूर करने वाला उत्तम होता है। भावार्थ, जो पुरुष विष हरने वाले रत्नों से विष को निवृत्त करते हैं, वे विष से उत्पन्न हुए रोगों को मार बलि होकर शत्रुभूत रोगों को जीतते हैं। भावार्थ, मनुष्य बिच्छू आदि छोटे छोटे जीवों के विष हरने वाले पर्वतीय न्यूले का संरक्षण करें, जिससे विष रोगों को निवारण करने में समर्थ होवें। इस सुक्त में विष हरने वाली औषधि, विष हरने वाले जीव और विषहारी वैद्यों के गुण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह 191वां सुक्त और 16वां वर्ग, 24वां अनुवाक और प्रथम मंडल समाप्त हुआ। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्याणां परम विदुषां विरजानंद सरस्वती स्वामिनां शिष्येण श्रीमद् दयानंद सरस्वतिना विरचिते आर्यभाषा समन्विते सुप्रमाण युक्ते शुभाषा विभूषिते ऋग्वेद भाष्ये प्रथम मंडलम समाप्तम्। अथ द्वितीयं मंडलम्। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव। अब दूसरे मंडल का और उसमें प्रथम सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों और विद्यार्थियों के कृत्यों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जैसे बिजली अपने प्रकाश से शीघ्र जाने वाली जल, पाषाण, वन और औषधियों के पवित्र करने से सबकी पालना करने वाली है, वैसे विद्वान जन समग्र सामग्री से पवित्र आचरण वाला होता हुआ विद्यादि के प्रकाश से सबकी उन्नति करने वाला होता है। फिर उसी विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, जिस पुरुष का अग्निहोत्र के तुल्य उपकार, ऋतुजों के कर्म के समान पवित्र क्रिया, आप्त विद्वानों के समान न्याय, अग्नि विद्या को जानने वाले के समान उद्यम, न्यायाधीश के समान न्याय व्यवस्था, यज्ञ करने वाले के समान अहिंसा, वेद पारंगत के समान विद्या और गृहपति के समान ऐश्वर्य का संग्रह हो, वही प्रशंसा को प्राप्त होने योग्य होता है। भावार्थ, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य से आप्त विद्वानों के समीप से विद्या शिक्षा को प्राप्त हुआ, ईश्वर के समान उपकार दृष्टि से प्रशंसा और सत्कार को प्राप्त हुआ, प्रतिदिन उत्तम बुद्धि से समस्त शुभ गुण कर्म और स्वभावों को धारण करता है, वह संपूर्ण विद्यावान होता है। अब चलते हुए विषय में राज शिष्य के कृत्य का वर्णन करते हैं। भावार्थ, जिससे सत्य को धारण कर असत्य का त्याग किया जाता और मित्र के समान सबके लिए सुख दिया जाता है, वह सत्य सिंध दुष्टाचार से अलग हुआ, सत्य और असत्य का यथाव द्विवेचन करने वाला सबको मान करने योग्य होता है। भावार्थ, जिस पुरुष की सत्यवाणी और परार्थ पराक्रम है, वह राजजनों से प्रशंसा युक्त होता है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो जन बल की इच्छा करते दुष्टाचारियों को अच्छे प्रकार ताड़ना देकर धर्माचारियों को सुखी करते और सदैव सबकी उन्नति को चाहते हैं, वे अतुल ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। भावार्थ, जो पुरुषार्थी मनुष्यों का सत्कार और आलस्य करने वालों का तिरस्कार करने वाले और सेवकों के लिए सुख देने वाले ऐश्वर्यवान हों, वे इस संसार में सबके राजा होने को योग्य हों। भावार्थ, वही राजा होने योग्य है जिसको समस्त प्रजाजन स्वीकार करें। वही सेनापति होने को योग्य है जो 10 वा 100 वा 1000 वीरों के साथ युद्ध कर सकता है। फिर राजशिष्य विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे होम आदि से अच्छा सेवन किया हुआ अग्नि रक्षा करने वाला होता है, वैसे भ्राता, मित्र, पुत्रजन अपने भ्राता, मित्र और पितरों को सेवें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि के समान प्रजाओं के पीड़ा देने वाले को जलाते हैं, पुरुषार्थ से ऐश्वर्य की उन्नति करते हैं, विद्या विनय और उत्तम शीलादि का प्रकाश करते हैं, वे सबको माननीय होते हैं। फिर अध्यापक विषय को अगले मंत्रों में कहा है।
भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। अच्छी विद्या का पढ़ाने वाला, शास्त्र का पारगंता विद्वान जन माता के समान पालना करता है और सब विषयों में उत्तम गुणों को देता है, उससे शिष्य जन शीघ्र विद्या बलयुक्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान जन गुण कर्म स्वभाव से बिजली को जान और कार्यों में उसका अच्छे प्रकार प्रयोग कर श्रीमान होते हैं और ब्रह्मचर्य से दीर्घायु होते हैं, वैसे सब विद्यायुक्त मनुष्यों को होना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे संवत्सर का आश्रय लेकर महीने, मुख का आश्रय लेकर शरीर की पुष्टि, जिह्वा के आश्रय से रस का विज्ञान, यज्ञ को प्राप्त हो विद्वानों के सत्कार और उत्तम अन्न को पाकर रुचि होती है, वैसे आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वानों को प्राप्त होकर मनुष्य शुभ गुण लक्षण युक्त होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब जीव विद्यमान अग्नि के होते जीने और भोजन करने को योग्य होते हैं, वैसे शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पढ़ाने वालों के होते पवित्र राग द्वेषादि सांसारिक और पारमार्थिक सुख को प्राप्त हुए मुक्त के बीच आनंद करते हुए जन्म जन्मांतर संस्कार में पवित्र होते हैं। भावार्थ, जैसे अग्नि में अनेक गुण हैं, वैसे विद्वानों की सेवा करने और धर्म में प्रवर्तमान होने, अधर्म से निवृत्त जनों में इस संसार में बहुत शुभ गुण उत्पन्न होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे विद्वान सर्वोत्तम विद्यादान देके हमको तथा औरों को विद्वान करते हैं, वैसे हमको भी चाहिए कि उनको सदा प्रसन्न करें। इस सूक्त में अग्नि के दृष्टांत से विद्वान और विद्यार्थियों के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्तार्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह दूसरे मंडल में प्रथम सूक्त और 19वां वर्ग समाप्त हुआ। भावार्थ, जो मनुष्य शिल्प क्रिया में बिजली आदि के रूप को यान विमान आदि के कार्य में अच्छे प्रकार युक्त करें, वे ऐश्वर्य को प्राप्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे गौवें अपने बछड़ों को प्राप्त होती, वैसे काल विभाग परिश्रमी विद्वान जन को प्राप्त होते हैं, जिस कारण उनके सब कार्य नियम युक्त काल से सिद्ध होते हैं। आलसी जनों के काम कभी भी नियत समय पर नहीं होते। परिश्रमी विद्वान जन रात्र के समय को भी अपने कार्य का समय मानकर जैसा चाहते वैसे समय पर कार्य किया करते हैं और मनुष्य संबंधी पूर्णायु को प्राप्त होते हैं, किंतु परिश्रम से आयु की हानि को नहीं प्राप्त होते। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, यदि अंतरिक्ष में स्थित पदार्थों में वर्तमान अग्नि को जानकर रथ के समान कार्यों में चलावें तो वह मित्र के समान कार्यों को सिद्ध करे। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे जल प्यासे को तृप्त करता है, वैसे कार्यों में संप्रयुक्त किया हुआ अग्नि ऐश्वर्य के साथ जनों को युक्त करता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सूर्य नक्षत्रों को प्रकाशित करता है, वैसे यह अग्नि समस्त विश्व को प्रकाशित करता है। जो पढ़ने और सुनने से अग्नि विद्या का ग्रहण करते हैं वे सुभूषित होते हैं। फिर विद्वान के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे संसिद्ध किया हुआ अग्नि धन प्राप्ति का निमित्त होता है, वैसे अच्छे प्रकार प्राप्त हुए विद्वान जन मनुष्यों को विद्या प्राप्ति के हेतु होते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो अग्नि के तुल्य असंख्य सुख द्वारों के समान विद्या मार्ग और यथा समय कार्यों से दिवसों को संयुक्त करते हैं, वे सूर्य और पृथ्वी के समान अन्नादि के संयोग से सुखी होते हैं। अब विद्वानों के विषय के अंतर्गत राज विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अहोरात्रों का काटने वाला सूर्य अपने तेज से सबके अनुकूल प्रकाशित होता है, वैसे राजा सत्य और झूठ कार्य करने वालों के विभाग से प्रजाजनों की पालना करे। भावार्थ, विज्ञान चाहने वाले जनों की शिष्ट महात्मा जनों से पाई हुई बुद्धि को प्राप्त होकर बहुत प्रकार के पदार्थ विज्ञान से मनुष्य जन्म के धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी फलों को प्राप्त होना चाहिए।
भावार्थ विद्वानों के संगी ज्ञान चाहने वाले पुरुषों को चाहिए कि आप शिष्ट जनों से जैसा विज्ञान प्राप्त हो वैसे ही औरों को देवें, जैसे हम लोगों के ब्रह्मचर्य विद्या बल शील पुरुषार्थ बढ़ते हैं वैसे सबके बढ़ें, ऐसी हम लोग इच्छा करें। भावार्थ जो विद्वानों के मार्ग से और सुशीलता से नित्य पदार्थों को प्राप्त हों वे औरों को भी प्राप्त करावें। भावार्थ जो धर्म से धनादि पदार्थों का संचय करते हैं उनका अतुल धन उत्तम प्रजा और सुशील अपत्य होते हैं, जो पांडित्य और प्रगल्भता को प्राप्त होकर अध्यापक और उपदेशक होते हैं वे दुख को नहीं देखते हैं। भावार्थ जो उत्तम विद्वान जन पढ़ाने वाले विद्वानों के लिए अधिकतर विद्या को अच्छे प्रकार देकर उनको श्रीमान करते हैं वे हमारे प्रणेता अर्थात सर्व विषयों को प्राप्त कराने वाले हों। इस सुक्त में अग्नि के विषय में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह समझना चाहिए। यह दूसरे मंडल में दूसरा सुक्त और 21वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले तीसरे सुक्त का आरंभ है। इसके प्रथम मंत्र में अग्नि का वर्णन किया है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यदि इस संसार में ईश्वर अग्नि को न रचे तो कोई प्राणी सुख को न प्राप्त हो सके। जैसे विद्वान विद्वानों का सत्कार कर वैसे अन्य लोग भी विद्वानों का सत्कार करें। अब अग्नि के दृष्टांत से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे अग्नि बिजली प्रसिद्ध और सूर्य रूप से सब व्यवहारों को पूर्ण करता है वैसे विद्वान जन विद्या धर्म और सुंदर शील आदि की प्राप्ति से समस्त आशा जो मनुष्यों की उनको पूर्ण करे। भावार्थ जो विद्वान का सत्कार कर विद्या को ग्रहण करती हुई पवनों में स्थिर होने वाली बिजली को ग्रहण कर सकते हैं वे अक्षय बली होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि अवश्य अंतरिक्षस्थ जल सुगंध्यादि पदार्थ युक्त करें जिससे समस्त प्राणी आरोग्य हों। अब स्त्री पुरुषों के आचरण को कहते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे कारुओं के बनाए घरों में सुंदर शोभा युक्त बनाए हुए द्वार होवें वैसे विदुषी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री कीर्तिमती और उत्तम संतानों की उत्पन्न करने वाली होती हैं। भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। संतान और भृत्यजन अपने पालने वाले स्त्री पुरुषों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें कि तुम हमसे धर्मयुक्त कार्य कराओ। भावार्थ जैसे ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और शिक्षा को प्राप्त सुंदरता से युक्त स्वयंवर विवाह विधि से पाणिग्रहण किए हुए विद्वानों के संगी आप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा विद्वान अध्यापक स्त्री पुरुष सत्कर्मों में वर्तते हैं वैसे सबको प्रयत्न करना चाहिए। भावार्थ एक माता दूसरी पढ़ाने वाली और तीसरी उपदेश करने वाली स्त्री कन्याओं को सदा समीप से सेवनी चाहिए जिससे बुद्धि और विद्या नित्य बढ़े। अब पुरुष विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ जो अच्छा संस्कार किए रोग हरने और बुद्धि देने वाले उत्तम अन्न का भोजन कर संतानोत्पत्ति करते हैं उनके संतान विद्वानों को प्रिय दीर्घायु वाले और सुशील होते हैं। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे वनस्पति और अग्नि अपने कर्मों से समस्त प्राणियों का उपकार करते हैं वैसे विद्वान जन अध्ययन अध्यापन और उपदेश से सबका उपकार करें। भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य यज्ञ में अग्नि जैसे वैसे उपकार करने वाले परोपकार का आश्रय किए हुए औरों को सुखी करते हैं वैसे आप भी उनसे उपकार को प्राप्त और आनंदित होते हैं। इस सुक्त में अग्नि विद्वान और स्त्री पुरुषों के आचरण का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की पिछले सुक्तार्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह दूसरे मंडल में तीसरा सुक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले चतुर्थ सुक्त का आरंभ है।
इसके प्रथम द्वितीय मंत्र में विद्वानों के विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य परस्पर विद्या देके जगत के प्रकाश को धारण कर वा मित्रों के समान सुख देने वाले विद्वानों को जानने योग्य बिजली रूप अग्नि की प्रशंसा करते हैं, वे उसके गुणों की जानने वाले होते हैं। भावार्थ, जो अग्नि अपनी व्याप्ति से प्रजाजनों में प्रविष्ट है, उससे समस्त वेगवान यंत्र कलाओं से प्रचलित किए हुए यान शीघ्र चलने वाले बनाने चाहिए। फिर अग्नि कार्यों से विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो अग्नि मित्र के समान सुख देता और सब प्रजाजनों में प्रदीप समान सब वस्तुओं को प्रकाशित करता है, यह विद्वानों को अपने कर्मों के अनुकूल उसका योग करना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को जैसे अपने पोषण के लिए अग्नि विद्या प्राप्त की जाती है, वैसे औरों के लिए भी करनी चाहिए। जो ईंधनों से बढ़ता है और पदार्थों को जलाता है, वह रथों में युक्त किया हुआ अग्नि शीघ्र गमन कराता है। जैसे वक्ता अपनी जिह्वा को कंपाता है, वैसे अग्नि भूलोक को कंपाता है। भावार्थ, जो अग्नि के समस्त अविद्यमान को विद्यमान के समान करता और जैसे जीव वृद्धपन और मरण को प्राप्त होकर फिर उत्पन्न हुआ जवान होता है, वैसे बार बार वृद्धि और क्षय को प्राप्त होता है, वह अग्नि व्यवहारों में युक्त करने योग्य है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कोई अति तृषा युक्त कहने वाला जन हंसता हुआ कहे कि जल मार्ग में जाता है, वैसे वनस्थ अग्नि बहुत शब्दायमान होता है। फिर अग्निपरता से ही विद्वानों के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पृथ्वी आदि पदार्थों में व्यवस्था को प्राप्त मूर्तिमान पदार्थों का जलाने वाला रक्षक रहित पशु के समान आप जानने वाला प्रकाशमय अग्नि अपने तेज से बिखरे हुए त्रसरेणुओं को भी सब ओर से तपाता है, वह अग्नि बलिष्ठ है, यह जानना चाहिए। भावार्थ, हे विद्वन, जिस विद्या पढ़े हुए रक्षा करने वाले के समीप से तृतीय सवन अर्थात ब्रह्मचर्य के तीसरे भाग को शीघ्र पूर्ण किए पीछे अग्न्यादि विद्या प्राप्त होकर उत्तम धन बल और प्रजावान हम लोग हों, आप उसे बतलाइए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे आप विद्वानों से विद्या और शिक्षा ग्रहण कर आनंदित विजयमान और वीर पुरुषों से युक्त प्रशंसनीय जन होते हैं, वैसे अग्नि विद्या से युक्त पुरुष अंधकार को जैसे सूर्य वैसे दुख का विनाश करते हैं। इस सूक्त में अग्नि और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति है, यह जानना चाहिए। यह दूसरे मंडल में चौथा सूक्त और 25वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 5वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में जीव के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर इस संसार में सबकी रक्षा के लिए अनेक द्रव्यों को रचता है, वैसे विद्वान जन भी आचरण करें। अब ईश्वर के विषय को अगले मंत्रों में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सप्तविध रश्मियों वाला सूर्य परिमाण से विस्तार को प्राप्त और पवित्र करने वाला है, उसमें जो चेतन ब्रह्म व्याप्त वर्तमान है, वह समस्त सूर्यादिक को व्यवस्था प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य शिल्प क्रिया से अनेक वस्तुओं को बनाते हैं, वैसे जगदीश्वर अखिल संसार का विधान करता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सूर्य जल को धारण करता है, वह विद्वान जन ब्रह्म विषयादि को कहते हैं, उस सबको व्यापक परमेश्वर सांगोपांग जानता है। अब विद्वानों के गुणों को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो पवित्र विद्वानों के साथ संग कर उत्तम विद्या को उत्पन्न करके अज्ञजनों के उपदेशक हों, वेद विहित कर्मों का आचरण कर
आप बढ़ते हैं और औरों की भी उन्नति करने वाले होते हैं। अब विदुषी स्त्री के विषय में कहते हैं, भावार्थ, जो बहन अपने प्रिय बंधु को तथा कन्या विद्या विषय को प्राप्त होती हैं, वे गौओं के समान उत्तम सुख को उत्पन्न करती हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। यदि कन्या जन अध्यापिका विदुषी और माता को प्राप्त होकर विदुषी होती है तो जल से औषधियों के समान सब ओर से वृद्धि को प्राप्त होती हैं। अब विद्वान के विषय को अगले मंत्र में कहा है, भावार्थ, जैसे आप अपने हित के लिए प्रवृत्त हों वा विद्वान जन विद्वानों और यज्ञ करने वाले विविध प्रकार के क्रिया यज्ञ को सिद्ध करते हैं, वैसे हम लोग भी प्रवृत्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे आप्त विद्वान जन जगत के लिए सत्योपदेश कर मनुष्यों को सत्य बोध वाले करते हैं, वैसे सब आप्त विद्वानों को निरंतर अनुष्ठान करना कराना चाहिए। इस सूक्त में जीव, ईश्वर, विद्वान और विदुषियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिए। यह दूसरे मंडल में पांचवां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 6ठे सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में अग्नि के गुणों का वर्णन करते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वन, जैसे अग्नि संविधाओं में बढ़ता है, वैसे हम लोगों की परीक्षा से और हमारे वचनों को सुनकर बढ़ाएं। अब विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहा है, भावार्थ, जो विद्या और साधनों में अग्नि का युक्ति के साथ अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं, वे अग्नि के पराक्रम से अपने कर्मों को सिद्ध कर सकते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो गुण, कर्म, स्वभाव से अग्नि को विशेष जानकर कार्य सिद्धि के लिए उसका अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैं, वे श्रीमान होते हैं।